नमस्कार, पोल खोल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बैठन क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम हैं माजन मोड में एसपी ऑफिस के सामने। यहां पर कुछ पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं और इन्होंने हमें बुलाया अपनी समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए और सरकार तक अपनी बातों को, अपने निवेदन को पहुंचाने के लिए कि प्रशासन इनके साथ न्याय करे। आखिर सिंगरौली की एक सबसे बड़ी समस्या जो आज निकल के आ रही है वह विस्थापितों की समस्या है। जो विस्थापित हैं, यहाँ के कंपनियाँ जो हैं इनकी ज़मीन लेती हैं, वहाँ पर अपना काम करती हैं, वहाँ से वो पैसा कमाती हैं, लेकिन जो वहाँ पर पहले से लोग रह रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उनकी ज़मीन ले ली जाती है उनसे और फिर वो दर बदर भटकते रहते हैं, कभी मुआवजे के लिए, कभी नौकरी के लिए। यह समस्या सिंगरौली में लगातार देखने को मिल रही है। आइए, इसी समस्या को लेकर इन लोग आए हुए हैं एसपी ऑफिस के पास, इनसे कुछ बात करते हैं, कंपनियों का नाम जानने का प्रयास करते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है और प्रशासन का क्या सहयोग अभी तक रहा इनके साथ। आपका नाम? कहाँ रहती हैं आप? रजखड़ रहते हैं। तो कौन सी समस्या को लेकर आई हुई हैं? समस्या के लेकर के आए हैं यहाँ पर कि जो हमारे घर जमीन मट्टी में दब रहा है, कंपनी आ करके तोप रहा है, हम लोग को रोजगार कोई नहीं दे रहा है। कौन सी कंपनी है आपके यहाँ? रेल कर। हाँ, तो क्या वहाँ पर जाते हैं 6 महीना के दिन दौड़ाते रहा है और दौड़ाते दौड़ाते जब मांगने के गए 7 तारीख को हम लोग को जनानी की वहाँ का अधिकारी धक्का मारने रहा। अधिकारी को हम लोग हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि न साहब आप बुलाए आज देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग नहीं देना है तो उसको बोल दे दिया, जवाब दे दीजिए। हम लोग की दिखा दिखा करके आशा में अपना दे नहीं रहे हैं, क्या बात है कि हम लोग नहीं देंगे किसी को भी। अभी आप जैसे एसपी ऑफिस के अंदर आई हैं तो यहाँ पर आपकी मुलाकात किससे हुई? यहाँ किसी का नहीं हुआ है, यहाँ साहब पास आए। तो एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ। उन्होंने क्या कहा? शासन के धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ एक महिला जुड़ी थी और इनका कहना है कि यह जो कंपनियां हैं वह किसी भी तरीके से गंदी हरकत करने में महिलाओं से भी पीछे नहीं हट रही, चाहे मारपीट हो, चाहे गाली गलौज हो, किसी भी तरीके की ओछी हरकत करने से पीछे नहीं हट रही है। हमेशा उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। भाजपा के प्रशासन काल में लगातार यह देखा जा रहा है सिंगरौली जिले में कि एक तरफ जहां कंपनियां अपने कदम जमा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विस्थापित हमेशा परेशान हो रहे हैं, कभी नौकरी कभी पैसे को लेकर। आइए कुछ लोगों से और जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। महिला आप कहाँ रहते हैं? तो क्या समस्या है आपकी? कौन सी? तुम बोले ना, आप लगातार कि हम लोग का ट्राई हो गया है, आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया बाकी लोगों को। तो पैर जब आपका वहाँ पे फटा है तो उसमें मुआवजा वगैरह कुछ दिया जाता है? मुआवजे की रकम भी आपको नहीं दी गई है और फिर आप जाते हैं तो बोला क्या जाता है आपको? लगता है कि आ जाओ कॉल आओ, इसे जाते हैं तो आ रहा टाइम पर टाइम दे रहा है। 7 तारीख को गए, 7 तारीख को गाली गलौज दिया, मारपीट कर रहा था और उसके बाद मतलब जो न्यायोचित बात होती है, आपका पैर कटा है जो कि इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा मायने उसका अंग रखता है और वो भी हाथ और पैर, तो आपने पैर खोया उस कंपनी में, अभी तक न मुआवजा दिया गया न उसके आगे आपको कोई सांत्वना दी गई कि आपको मिलेगी राशि, बदले में मारपीट की गई। चार के बच्चे हैं, खाने बगैर मार मैं उसे इज्जत से मारने मेरे बच्चा करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथ पैर तक कंपनियों में काम करते हुए लगातार गंवा दिए हैं, लेकिन कंपनियां आंख बंद की हैं और प्रशासन भी अभी तक इसमें कुछ कहने में असमर्थ सा सामने आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? प्रशासन की चुप्पी
का कारण क्या है। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हो सकती है इसकी वजह कि जो लोग परेशान हैं उसके बाद भी प्रशासन मौन है। आपका नाम? आरिफ खान। कहाँ रहते हैं आप? विस्थापित। आप भी विस्थापित? जी। तो आपकी समस्या क्या है वहाँ पर? हम लोग को कंपनी में डेली बुलाया जाता था, पहले तो हम लोग का ट्राइनिंग करवाया गया, बाद में जब हम लोग का ट्राई हुआ, आज से 2 महीना पहले ट्राई हुआ 10 लोगों का, ट्राई होने के बाद फार्म भी भरा गया और इसके बाद बोला गया कि तुम लोग को ड्यूटी मिलेगा मिलेगा, ऐसे डेली डेली पेशी हम लोग को दौड़ाते गए। जब हम लोग 7 तारीख को पहुँचे कंपनी में तो गाली गलौज करने लगा और HR आके बोलने लगा कि कंपनी में आओगे दोबारा तो उठा के चौकी के अंदर करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये धारा लगवा देंगे, यही सब बोलने लगे। और हम लोग बोले कि हम लोग का लाइसेंस जमा हुआ है, पेपर जमा, डॉक्यूमेंट दे दीजिए। बोले कोई पेपर जमा नहीं है ना, कोई डॉक्यूमेंट जमा ना कुछ, नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा यहाँ पर, जा सकते हो यहाँ से नहीं दोबारा कैंप के अगल बगल दिखना भी। अभी SP साहब से आप मिले? जी हम लोग मिले नहीं हैं, हम तो मिले नहीं, हमारे साथ में जो आए थे वो मिले, आश्वासन दिया गया हम लोग को मुकदमा लॉन्च किया जाएगा उन लोग के खिलाफ, जैसा किया है मारपीट भी किया गया हम लोग के साथ वहाँ पे, और हम लोग के यहाँ चौकी घेराव करके उन लोगों ने मुकदमा भी कायम करवाया हम लोग 15 लोगों के ऊपर। तो चौकी घेराव किसने किया? आप लोगों ने? कंपनी वालों ने किया, अपना 200 वर्कर लेके पूरा चौकी घेराव करके हम लोग के ऊपर मुकदमा कायम किया करवाया गया कि ये लोग मारपीट करने कंपनी में आते थे, जो कि हम लोग नौकरी मांगने से वहाँ पे पहुँचे थे, बल्कि हमारे यहाँ के ग्रामीणों से बदतमीजी की गई, मारपीट किया गया उन लोग से, बस उन लोग की बात किया गया। आइए और कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुक्रकार है, जी। आपका निवास स्थान कहाँ? मैं रहता हूँ मंदोरी में, हाल है मनोज घाट पर आने पटेल का उसका अधिकारी आ जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगी, उसके बाद 6 तारीख को पटेल जी आए हैं, आने के बाद जब 7 तारीख के लोग गए तो जैसा कि लोगों ने मेरे को बताया कि जाने के बाद में काफ़ी धमकी मिली और गाली गलौज किया गया, उसके बाद इन लोगों को धक्का देकर के कैंप से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद कंपनी द्वारा दबाव बना करके चौकी में इन लोगों के खिलाफ 15 आदमी पर मुकदमा कायम किया गया और पेपर में भी निकला था, लेकिन लोग जब जबानी बताया मैं आया तो इससे मैं बहुत आहत हुआ और इसका मैं निंदा करता हूँ कि अगर ये कंपनी आई हुई है तो अपना काम करें, राजनीति ना करें, राजनीति हम लोगों को करने दें और दादागिरी ना करें, जो भूखे लोग उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करें अपने कंपनी में, जो यहाँ पे विस्थापित है, जो अस्थाई लोग नौजवान हमारे भाई हैं यहाँ पे, उनको रोजगार दें। आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिले यहाँ पे? अभी मैं CSP साहब से मिला, CSP साहब ने आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और मैं साहब से मैं बात करूंगा और जो भी होगा आप लोगों का सहयोग मैं करूंगा, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। ये लोग हरिजन थाने में गए हुए थे, हरिजन थाने में इन लोगों का आवेदन लेने से मना कर दिया, मैं आवेदन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे एक दुबे जी करके हैं, उन्होंने गोरबी में अधिकारियों से सुलह कराने लगे, सुलह कर लो, मैं गया वहाँ पर तो बोले कि आवेदन दे दो, कार्रवाई नहीं होगी, जहाँ जाना है चले जाओ, कार्रवाई नहीं होगी। ये सारी बात उन्होंने जब प्रशासन का ही एक अरुण कुमार अधिकारी अगर जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह से भाषा का उपयोग करेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी और आम जनता किस पे भरोसा करेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस जिनके द्वारा किया गया बदसलूकी, तो आप कुछ बता रहे थे? हाँ हम लोग करीब 2 महीने पहले हमारे यहाँ के 10 ड्राइवर थे, उनका हुआ बता रहे, फिर इसके बाद बोला कि 10 दिन के अंदर नौकरी दी जाएगी, और फिर 10 दिन के बाद गए तो बोला कि भावेश सर छुट्टी गए हैं, भावेश सर आएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। जब भावेश सर 5 तारीख को आए तो हम लोग 7 तारीख को गए उनके यहाँ, तो शुक्ला जी बैठे थे HR और भावेश सर एक मिनू 3 अधिकारी थे, तो बात होने लगी तो वो बोले कि देखो अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं है, गाड़ी आएगी तभी मिल पाएगा। हम बोले कि हम लोग को अंधेरे में रखते हैं, फिक्स डेट दे दीजिए कि जिस डेट में हम आप बुलाएं तो हम लोग 30 तारीख को आएँ तो हम लोग को नौकरी मिल जाए, हम विस्थापितों को मत परेशान कीजिए। तो शुक्ला जी बोले कि फिक्स डेट नहीं मिल पाएगा, इसके आगे जो आपको करना है कीजिए। उस समय महिलाएं भी थी, महिलाएं बोलने लगी कि हमको 6 महीने से दौड़ा रहे हैं, तो
तो इनको भद्दा भद्दा गाली देने लगे, बोले कि तुम लोग चले जाते हो उठाए क्या कर लोगे, नहीं देंगे नौकरी, जो करना करो, फिर धक्का मुक्की कॉलेज से निकलो गेट से बाहर। किनके द्वारा कहा गया ये? ये शुक्ला, चलो बाहर सिकोटी बुला के सिकोटी से बाहर धक्का मुक्की करे रहे, कुछ बचाव में हम लोग बचाए इनको। अब बोले कि अगर दोबारा आओगे तो चौकी में तुम लोग का मुकदमा, तुम लोग खिलाफ मुकदमा करा के अंदर करवा दूंगा, हड़ताल हड़ताल करने लायक या तो फिर कंपनी में नौकरी मांगने लायक। इनके बाद उन्हें और 250 आदमी लेकर अपने कंपनी का शुक्ला एचआर चौकी घेराव करके हम लोगों पे 15 आदमी का दबाव बना के मुकदमा कायम करा। लक्ष्मण पंडित क्या कहने लगे कि इधर आओ, ये बार बार आती है भाई, इंतजार चले आती है, लोग मार कर धक्का निकालो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा राज में एक तरफ जहां मुखिया का कहना है कि जनता उनकी भगवान है और वो बच्चों के मामा बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भगवान को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उन्हीं के घर में, उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के गांवों में। यह बाहरी कंपनियां आकर लगातार अपने पांव जमाए जा रही हैं और किसी न किसी तरीके से बदसलूकी करे जा रही हैं विस्थापितों के साथ, लेकिन यहां का प्रशासन, यहां के जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से मौन बैठे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यह गए थे SP ऑफिस के अंदर और CSP, यहाँ के CSP साहब द्वारा इन्हें आश्वासन मिला है कि यह जो कार्रवाई है, इस घटना पे पूरी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कहां तक इनके साथ आगे चलता है या फिर प्रशासन का न्याय आगे चलकर दम तोड़ देता है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैलन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोदी, वैडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798599115। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।